visited and bowed his head at the Gurdwara Rakabganj Sahib in Delhi and paid tributes to Guru Tegh Bahadur for a supreme sacrifice. Also, there was no police arrangements or traffic barriers to the common man during the Prime Minister's visit. These are visuals of the Prime Minister's visit this morning. Sudhakar Das joining us. Sudhakar, the visuals are out, as you said. The Prime Minister visiting the Rakabganj Road Gurdwara and paying his respects there. We spoke about the significance, but what exactly was the Prime Minister trying to convey here, you know, especially, you know, making a visit there to the Gurdwara and also offering his respects to Guru Tegh Bahadur? Anil, Pradhan Mantri Ji ki taraf se tweet bhi aaya hai. Bilkul. And I would like to quote it. PM said, this morning I prayed at the historic Gurdwara Rakabganj Sahib, where the pious body of Sri Guru Tegh Bahadur Ji was cremated. I felt extremely blessed. I, like millions around the world, am deeply inspired by the kindness of Sri Guru Tegh Bahadur Ji. Aur ek dusra tweet bhi unhone kiya hai. It is the special kripa of Guru Sahib that we will mark the special occasion of 400th Prakash Parav of Sri Guru Tegh Bahadur Ji during our government's tenure. Let us mark this blessed occasion in a historic way and celebrate the ideals of Guru Tegh Bahadur Ji. Dekhiye, do cheeze, ek to ek significance jo is gurdwara ka hai, Pradhan Mantri ne jiska zikr kiya, aur tasveere bhi is baat ko bayan kar rahi hain. Hum tasveere bhi dekh rahe hain ki kis tarah se jo tamam wahan aaye hue log the, shraddhalu the, bacche the, unse Pradhan Mantri ne mulaqat ki. और किस एक आम व्यक्ति की तरह कैसे गए थे, हम जानते हैं कि कोई जब वीवीआईपी विजिट होता है किस तरह का सिक्योरिटी का तामझाम होता है, तमाम चीजें होती है, लेकिन यहाँ आम लोगों के बीच घिरे हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जो सिख धर्म के तमाम श्रद्धालु हैं उनसे घिरे हुए, और एक कॉमन तमाम आम लोगों से प्रधानमंत्री हाथ भी मिला रहे हैं. तो बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए ये सौभाग्य की बात है, 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का वो मनाया जाएगा, और वो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी सरकार को ये 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मौका मिला. और अनिल, मैं आपको बता दूं, उससे पहले प्रधानमंत्री ने पंजाबी में भी ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से उनको ये सौभाग्य मिला कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाए, उसी तरह का सौभाग्य उनको गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मिला है. और हम जानते हैं अनिल, आपको पता है, एक हाई पावर्ड कमेटी भी इसके लिए गठन किया गया है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए, और उसमें खुद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो सिख धर्म से जुड़े हुए, फिलोसफी से जुड़े हुए लोग हैं, और देश भर के जो तमाम विशेषज्ञ हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल है. और एक फिटिंग वे में उनको कैसे श्रद्धांजलि दी जा सके, उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके. और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिस श्रद्धा की वो बात करते हैं. आप देखिए, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तस्वीरें काफी कुछ बयान करती है कि किस तरह की उनकी श्रद्धा है. और ये उनके सरकार की बीते 5-6 वर्षों में उनके कामों में भी नजर आया है. और निश्चित तौर पर ये न सिर्फ एक गुरुद्वारे के दौरे के तौर पर देखा जाए, लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं तमाम लोगों से, उसकी भी ये तस्वीरें हैं अनिल. और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें, और खास तौर से उस मौके पर जब देश ने शहीदी दिवस मनाया है गुरु तेग बहादुर जी का. अनिल, वेल ऑल्सो सुधाकर, यू नो, वी आर इन कोविड टाइम्स एंड द प्राइम मिनिस्टर क्लियरली सेंडिंग अ मैसेज व्हेन ही इज विजिटिंग द गुरुद्वारा, ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स, एस्पेशली विद एवरीबडी इन स्टाफ इंक्लूडिंग हिमसेल्फ वेयरिंग द मास्क देयर, यू नो, क्लियरली सेंडिंग अ मैसेज दैट, यू नो, टिल the vaccine is not run, we still need to be very careful, especially when it comes to following protocols visiting religious places. Ji bilkul bilkul, dekhiye, aur kafi mahatvapurna hai ye, aap ek public function mein aap ja rahe hain, aap apne ghar se bahar nikal rahe hain, aap aisi jagah ja rahe hain jahan sarvajanik sthal par kai aur log mil sakte hain, to aapko mask zarur pehanna chahiye, aur ek tarah se ye आपकी, हम सब की, सोसाइटी की, पूरे देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. हम जानते हैं कि पूरे कोविड काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री के प्रभावी नेतृत्व की वजह से भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाला देश
इस परिस्थिति से एक तरह से लगभग हमने पार पाया, प्रभावी तरीके से मुकाबला किया। और देखिए प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ना सिर्फ शीश नवा रहे हैं, उन्होंने जो वो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी की, मत्था टेका है, अरदास किया, और बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ वो आम लोगों से मिले, आम लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाया, और किसी तरह की सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये संदेश उनके सुरक्षा कर्मियों को रहा होगा कि ना किसी तरह का ट्रैफिक का डिस्ट्रप्शन हो, गुरुद्वारे में भी किसी भी आम आदमी को किसी की तरह की दिक्कत ना हो उनके जाने की वजह से, और इस अनशेड्यूल्ड विजिट में एक सामान्य व्यक्ति की तरह, और निश्चित तौर पर जिस पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री आते हैं वो इन तमाम चीजों को बहुत गहराई से ना सिर्फ समझते हैं शिद्दत से महसूस भी करते हैं। और सिख धर्म को लेकर उनके जो विचार रहे हैं, उन्होंने बीते 5-6 वर्षों में जो किया है उसका एक छोटा रिफ्लेक्शन ये आज का उनका ये विजिट भी रहा है। और एक संदेश उन्होंने दिया भी है कि 400वां जो प्रकाश पर्व है श्री गुरु तेग बहादुर जी का, उसको बहुत ही भव्य तरीके से पूरे देश भर में मनाया जाएगा, और वो तमाम चीजें जो गुरु तेग बहादुर जी के विचारों को जो समावेशी समाज समाज के लिए थे, जो अन्याय को हटाने वाले थे, उन विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए प्रधानमंत्री हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो अपने ट्वीट्स के जरिए भी प्रधानमंत्री ने ये संदेश, महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अनिल, well, also Sudhakar, you know, considering the fact that Prime Minister has come out in the morning, it would have been a huge security challenge, you know, especially when it comes unannounced on a Sunday morning where we expect large crowds of people to visit the Gurdwara, especially the Rakabganj Gurdwara there. So, you know, all in all, the Prime Minister here, you know, braving many odds, the winter season, also, you know, a security, I would say a security hurdle, especially when it comes to visiting the Gurdwara. But, you know, the Prime Minister's message very clear here, no? When it comes to celebrating the idols of Guru Tegh Bahadur Ji. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक एक संदेश उन्होंने प्रधानमंत्री ने पंजाबी में ट्वीट किया था, बिल्कुल वो ट्वीट में मैं जहां तक समझ पाया हूं कि उन्होंने ना सिर्फ सिख धर्म के प्रचार को प्रचार प्रसार किया, उसके संदेशों को आगे बढ़ाया, उसके लिए अपना बलिदान दिया, गुरु जी ने हिंदू धर्म का भी बचाव किया था, सार्वभौमिक संप्रदाय का भी संदेश गुरु तेग बहादुर जी ने दिया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश है भारत जैसे देश में, और प्रधानमंत्री ये बात लगातार कहते रहे हैं कि विविधता जो है वो भारत की पहचान है, भारत की ताकत है, और एक तरह से उस डाइवर्सिटी को, उस विविधता को नमन करने के लिए, गुरु तेग बहादुर जी को नमन करने के लिए उन्होंने जिस तरह से इस सार्वभौमिक संप्रदाय की बात, और उन्होंने जो सौहार्द की बात की थी सोसाइटी में, उन विचारों को नमन करने के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री गए थे, और आप ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और एक वो जरूर आज जब वो गए होंगे तो आप निश्चित तौर पर सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, साल 2020 अगर एक तरह से कहें तो लोग उस तरह से याद नहीं रखना चाहेंगे, कई लोगों की जान गई महामारी के चलते, कई कीमती जाने हमारे सुरक्षा का स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई है, उस तरह से याद नहीं करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री की जरूर निश्चित तौर पर उन्होंने कामना की होगी कि आने वाला समय जो रहे, आने वाला साल रहे, सबके कल्याण के लिए रहे, एक तरह से सबके बीच सामाजिक सौहार्द बना रहे, और जो मानवता का प्रचार प्रसार हो, समावेशी समाज के लिए सबको ही सोचे उसकी बात। और कल भी देखिए, कल एसोचैम का सम्मेलन था, उसमें प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि उद्योग जगत सरकार से सुधारों की अपेक्षा करता है, सरकार सुधार करेगी, सुधारों को आगे बढ़ाएगी, लेकिन उद्योग जगत को अपने भीतर भी सुधार करने चाहिए ताकि उसको और इंक्लूसिव बनाया जाए, एक तरह से महिलाओं को, कमजोर तबके को भी वहां मौका मिल सके, उस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की जाए। तो वो बात लगातार प्रधानमंत्री के विचारों में है, उनके कार्यशैली में है, उस बात को वो लगातार आगे रखते रहे हैं। और बीते 5-6 वर्षों में खासतौर से गुरु नानक हो, गुरु तेग बहादुर जी हो, गुरु गोविंद सिंह हो, उनके विचारों के जरिए एक तरह से देश को एकजुट करने की, देश को मानवता के प्रति संवेदनशील बनाने की, देश में एक सामाजिक समावेशी समाज स्थापित करने के लिए जो प्रयास रहे वो काफी महत्वपूर्ण रहे प्रधानमंत्री की ये प्रयास।
Anil. Okay, Sudhakar, also considering that, you know, Prime Minister visiting one of the most popular Gurdwaras amongst the devotees in the national capital, what's the significance, you know, if one would ask purely these pictures that we see that are playing out, the significance of this particular visit to the most popular Gurdwara in the national capital? जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री के ट्वीट से ही अगर सीधे कहा जाए तो यहाँ क्रीमेट किया गया था, यह शहादत के बाद यहीं पे उनके शव को लाया गया था, तो उस लिहाज से कहे तो काफी महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया के सिख धर्मावलंबियों के लिए ये गुरु तेग गुरुद्वारा रकाबगंज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमको पता 1621 में गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था और 1675 में उन्होंने शहादत दी थी और यहीं पर उनको एक तरह से क्रिमेट किया गया था, तो उस लिहाज से कहे तो गुरुद्वारा रकाबगंज बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुरु नानक जी के संदेशों को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से सिख धर्म में जो सर्वोच्च बलिदान की परंपरा है वो सर्वोच्च बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने दिया, मुगलों के अन्याय का मुकाबला किया और वो आज भी तमाम लोगों को न सिर्फ सिख धर्म को बल्कि हर एक भारतवासी को हर एक मानवता प्रेमी को प्रेरणा देते हैं। तो उस लिहाज से कहें तो ये गुरुद्वारा रकाबगंज बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी अहम बात देखिए, हम लगातार ये बात कर रहे हैं, ये आज कोई पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री बिना किसी सुरक्षा के तामझाम के वो लगातार कई बार इस तरह की चीजें करते रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों को उनको हमेशा ये हिदायत रहती है कि जी Okay, Sudhakar, we'll leave it there. Thank you and appreciate you joining us. The Prime Minister there, a series of tweets that the Prime Minister posted from his Twitter handle. The visuals there before your screen. The Prime Minister tweeted, sent two tweets in Punjabi and two tweets in English. Let me read the tweets out for you. This morning, I prayed at the historic Gurudwara Rakabganj Sahib, where the pious body of Sri Guru Tegh Bahadur Ji was cremated. I feel extremely blessed. Like millions around the world, I am deeply inspired by the kindness of Sri Guru Tegh Bahadur Ji.